हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन आपके लिए लेकर आए हैं अवार्ड्स, पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आइए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से। कब हुई थी? 1901 से। और क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो, अभी तक ओनली अपन क्षेत्र पढ़ रहे हैं, यह किसको दिया जा रहा है यह नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा आज का टॉपिक क्या है? ओनली शुरुआत और क्षेत्र को पढ़ना। और नोट डाल के लिखिए, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। तो देखो, अपन अभी तक अपन ने दो बातें सीखी। कौन सी? नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? साहित्य, रसायन, भौतिकी और शांति के क्षेत्र में। लेकिन नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने लगा कब से? 1969 से। आगे वाली क्लासों में अपन यह भी पढ़ेंगे, इस वर्ष किसको मिला, उससे पिछले साल किसको मिला था। आइए, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत लिखते हैं अपन। 1917 से हुई थी। कब हुई थी? 1917 से। लिखिए, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपको पॉइंट लिखना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। कहाँ में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो नोबेल 1901, पुलित्जर 1917, पत्रकारिता के क्षेत्र में। कहाँ में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर, ऑस्कर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, बहुत फेमस नाम है ऑस्कर के नाम से। तो इंपोर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? शुरुआत इंपोर्टेंट हो जाएगी। 1929 से यह दिया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं काई में फिल्म के क्षेत्र में यह दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो आइए रिवाइज करते हैं, नोबेल 1901 से साहित्य, रसायन, भौतिकी, शांति के क्षेत्र में, और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पुलित्जर पैसे पे, पुलित्जर से पत्रकारिता याद रखेंगे। 1917 से ऑस्कर, 1929 फिल्म के क्षेत्र में। आइए कलिंग, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और कब से दिया जा रहा है? 1952 से। और काई के क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। याद करने का एक ही तरीका है, ओनली बार बार से मैं रिविजन, देखो इसको, याद करो, लिखो, याद करो, इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं है। अब आता है मान बुकर पुरस्कार, सॉरी पहले अपन इसको पढ़ेंगे, ग्रैमी को। ग्रैमी की शुरुआत हुई थी 1958 से। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। कई में दिया जा रहा है ग्रैमी पुरस्कार 1958 से, और संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। अब बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार 1969। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। आइए अब बात करेंगे बोरलॉग और रैमन मैक्सेस, बोरलॉग और रैमन मैक्सेस। बोरलॉग पुरस्कार कृषि में उन्नत पैदावार के लिए दिया जाता है, कृषि में पैदावार में उल्लेखनीय योगदान, कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, योगदान के लिए बोरलॉग। इसका डेट ईयर कंफर्म नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रैमन मैक्सेस, रैमन मैक्सेस, इसके बारे में आपको ऊपर बताएंगे क्योंकि नीचे लिखेगा नहीं, रैमन मैक्सेस लिखिए नोट डाल के। रैमन मैक्सेस की शुरुआत, सबसे पहले रैमन मैक्सेस दिया किसके लिए जाता है? सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता। लिखिए, सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता। लिखिए, सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में 1958 से। कौन सा? रैमन मैक्सेस। तो ऐसा, और देखो अभी तक अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नोबेल में 1901 से और 1969 से। तो यहाँ पे एक और चीज लिखिए आप, सरकारी उद्गामी के क्षेत्र में, सरकारी उद्गामी के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है? यह 2001 से दिया जा रहा है। तो देखो, मेन तो इकाई में दिया जाता है, सरकारी सेवा में, जनसेवा में, पत्रकारिता में 1958 से, लेकिन सरकारी उद्गामी के क्षेत्र में यह 2001 से दिया जा रहा है। तो यह है, देखो आज का मन इतना ही पढ़ेंगे, 8 या 9 पढ़ने पड़े, रिवीजन करते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है और काय के क्षेत्र में? शांति, साहित्य,
रसायन भौतिकी और शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से, तो इंपोर्टेंट हो जाता है अर्थशास्त्र आपसे पूछता है क्योंकि इसको अलग से जोड़ा गया था। पुलतीजर, पुलतीजर से पैसे याद रखेंगे अपन, पत्रकारिता 1917, पत्रकारिता के क्षेत्र में आस्कर 1939, फिल्म के क्षेत्र में कलिंग आ गया 1952, विज्ञान के क्षेत्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अधिकतर बार पूछा गया सवाल है 58, संगीत के क्षेत्र में, सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट के साथ, इससे आगे और पढ़ेंगे 10 का, कल इनको खत्म करते हैं 10, आज ये रह गए 10 और पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।